ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बायोग्राफी पार्ट टू। सत्तर 79 80 4-5 सालों में सारा लीवर का बेकार हो गया। 1977, 78, 79, 80 in these 4-5 years my liver was completely damaged। जिस घर में जाओ चाय पियो, जिस घर में जाओ चाय पियो, सारा दिन में बस उस चाय से ही पेट भर जाता। To whichever house I went, they said, have tea. Whichever house I visited, they said, have tea. My stomach got full with just having tea the whole day. ऐश करो दोस्तो दुनिया की दीवारों से, नहीं तो मारे जाओगे सबके सब बेकारों से। Friends, take pleasure in the walls of the world. Otherwise, all of you will be finished off by useless people. जो बिगड़ रूपी दीवाले है ना उनसे भी ऐश करो। टेक प्लेजर इवन इन द ऑब्स्टेकल लाइक वॉल्स। ऐश करो दोस्तों दुनिया की दीवालों से, नहीं तो मारे जाओगे सबके सब बेकारों से। ये जो बिगड़ रूपी दीवाले खड़ी है ना मस्जिद की, उनके साथ भी ऐश कर लो। दीज ऑब्स्टेकल लाइक वॉल्स ऑफ द मॉस्क दैट आर स्टैंडिंग एंड दे टेक प्लेजर इवन इन देम। कुमार का दादी जैसी इस्लाम धर्म की दीवार है। इन दोस्त लाइक दादी कुमार का हु आर द वॉल्स ऑफ इस्लाम। गुड हेवंस। मस्जिद बनाने वाली मस्जिद दीवार खड़ी कर देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, भगवान को पहचान ही नहीं देते, बिगड़ती दीवार ऐसी खड़ी करते हैं। द वॉल दैट मेक्स मॉस्क, दे इरेक्ट अ वॉल इन द मॉस्क एंड वर्शिप इट। दे जस्ट डोंट लेट एनीवन रिकॉग्नाइज गॉड। दे इरेक्ट सच वॉल्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। क्या था ऐश करो? स्टूडेंट व्हाट वाज इट? ऐश करो। ऐश करो दोस्तों दुनिया की दीवारों से, नहीं तो मारे जाओगे सबके सब बेकारों से। कहां कहां से गीत याद आते हैं? स्टूडेंट फ्रॉम वेयर डू यू रिमेम्बर सच सॉन्ग्स? फिल्में देख देख के सत्यानाश किया है। आई अटरली रूइन माई सेल्फ watching movies repeatedly. फिल्म देख देख के सत्यानाश किया है अच्छे से। बाबा ने कहा है सबसे ज्यादा पतन होता है उपन्यास पढ़ने से और फिल्म देखने, सबसे ज्यादा आत्मा का सत्यानाश। I utterly ruined myself watching movies repeatedly. Baba has said reading novels and watching movies leads to maximum degradation. Which soul is ruined the most? ज्ञान में आने से पहले रेगुलर फिल्म देखते थे क्या? स्टूडेंट डिड यू वॉच मूवीज रेगुलरली बिफोर कमिंग टू नॉलेज? खूब डट डट के। अ लॉट विद ग्रेट इंटरेस्ट। कहाँ? थिएटर में क्या? स्टूडेंट वेयर? इन थिएटर्स। वाले परेशान करते थे, दुखी करते थे। ऐसी दुनिया है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू ट्रबल मी, मेक मी सैड। लेट इट गो, द वेरी वर्ल्ड इज सच। 250 जगह अप्लाई किया नौकरी के लिए, एमए पास करने के बाद। आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन 250 प्लेसेस आफ्टर कंप्लीटिंग एमए, दैट इज द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। और 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद और 3 साल फेल होने के बाद, क्या 16 साल और 3 साल 19 साल और 2 साल 21 साल। That was after 2 years of training and 3 years of failing. What? 16 years and 3 years is 19 years and then 2 years. That makes 21 years. और 50 जगह साक्षात्कार किए, जो भी पैसा जेब में था सब खर्च कर दिया, एक जगह भी नहीं लिए। And I gave interviews at 50 places and spent all the money I had in my pocket. I wasn't taken in a single place. वो प्रूफ हमारे पास अभी भी रखे हुए हैं। 50-250 जगह अप्लाई किया, वो UPSC प्रूफ होता है ना डाकखाने का। I have those proofs even now. There are
यूपीसी प्रूफ्स, दैट इज अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट प्रूफ्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसर्स दैट आई अप्लाइड फॉर जॉब इन 250 प्लेसेस. और 50 जगह जाके साक्षात्कार दिए स्कूलों में और कॉलेजों में, कहीं भी नहीं लिए गए. वो पहले से ही नियुक्त करके रखते थे जिसको लेना होता था उसको. एंड आई गेव इंटरव्यूज एट 50 प्लेसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. आई वाजंट टेकन एनीवेयर. दे यूज्ड टू चूज द कैंडिडेट्स दे वांटेड बिफोरहैंड. इसलिए फिल्म देखने चले जाते थे. परेशान करके रख दिया तो कहीं तो कुछ आनंद लेंगे. तो जब मौका मिलता था डट के फिल्में देखते थे. स्टूडेंट, दैट्स व्हाई यू यूज्ड टू गो टू वॉच मूवीज. एंड वेल, व्हेन दे ट्रबल्ड मी, आई टेक डिलाइट एट लीस्ट समवेयर. सो आई यूज्ड टू वॉच मूवीज विद ग्रेट इंटरेस्ट व्हेनेवर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. ऐश माना क्या पूछ रही है. स्टूडेंट, दे आर आस्किंग व्हाट ऐश मींस. ऐश माने स्त्री पुरुष जो मस्ती मारते हैं. सो ऐश मींस द प्लेजर मेन एंड वेमेन टेक टुगेदर. जिससे पेट में जन्म जन्मांतर मस्ती मारते हैं तो पेट में गैस बनती है. बिकॉज ऑफ इट व्हेन यू टेक प्लेजर फॉर मेनी बर्थ्स गैस इज फॉर्म्ड इन द स्टमक. मेरे पेट में ढेर सारी गैस बनती है. देयर इज अ लॉट ऑफ गैस इन माय स्टमक. ऐश, ऐश आराम, ऐशिया नाम क्या है? एशिया नाम है ना? किस तरह नाम पड़ा एशिया? ऐश, ऐश आराम, टू लिव इन लग्जरी एंड कंफर्ट. एशिया, व्हाट इज द नेम? द नेम इज एशिया, इजंट इट? व्हाई वाज इट नेम्ड एशिया? नास्तिक धर्म के लोग ऐसे ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? द एथिस्ट जस्ट एंजॉय प्लेजर. व्हाट एल्स डू दे डू? अम्मा हो उसे भी नहीं छोड़ेंगे, बहन हो उसे भी नहीं छोड़ेंगे, बेटी हो उसे भी नहीं, भतीजी हो बहन जी हो, उन संबंधों से कोई मतलब नहीं. दे वोंट स्पेयर इवन देयर मदर, दे वोंट स्पेयर इवन देयर सिस्टर, नीदर देयर डॉटर नॉर देयर नीस. दे हैव नथिंग टू डू विद दीज रिलेशंस. कैसे पता है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बच्चा पैदा हुआ उसको उसमें डाल दिया. डू यू नो हाउ? हाउ कैन दैट बी? हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? As soon as a child is born, he is admitted there. काहे में? Where? बच्चा पैदा हुआ उसको डाल देते हैं उसमें, शिशुगृह में. As soon as the child is born, he is admitted in the nursery. वहाँ पलते रहते हैं बच्चे, माँ बाप अपने नौकरी करते रहते हैं जाके फ्री. Children are brought up there and their parents keep working. They are free from their responsibility. बच्चों को वो आया है संभालती रहती हैं. The children are looked after by a nanny. थोड़ा बड़ा हुआ स्कूल में हॉस्टल में डाल दिया, प्राइमरी स्कूल. When the child grows up a little, they admit him in a school, a hostel, a primary school. और बड़ा हुआ कॉलेज में और हॉस्टल में डाल दिया. When he grows a little older, he is admitted in a college, a hostel. और बड़ा हुआ कॉलेज की बड़ी पढ़ाई भी अगर पढ़ ली तो फिर ट्रेनिंग में डाल दिया. When he grows older, if he has studied the higher studies of college, he is put into training. Training से निकला, नौकरी में डाल दिया. After he comes out of training, he is given a job. नौकरी में गया तो उन्हें अलग-अलग क्वार्टर दे दिए, तुम अकेले रहो. When he is given a job, they provide him separate quarters, saying, "Live alone." बहनों को भी, माताओं को भी, भाइयों को भी. Be it mothers, sisters or brothers. जो चाहे उसके क्वार्टर में घुस जाए, औरत चाहे आदमी, जिससे जिसकी सिट्टा जोरी बन जाए. Anyone can enter those quarters as they wish, whether it is a woman or a man. He may pair up with anyone. अब पता रहेगा कि कौन हमारी अम्मा, कौन हमारे बहन और कौन हमारी बेटी. Well, will he come to know who is his mother, sister or daughter? फिर ऐश करो दोस्तों. Then enjoy friends, take pleasure friends. दामों कल्याणकारी, क्या कल्याणकारी?
इज ड्रामा बेनिफिशियल और हार्मफुल? कल्याणकारी। इट इज बेनिफिशियल। कैसे कल्याणकारी? प्योरिटी जो होती है स्थापना, इम्प्योरिटी जो होता है विनाश। हाउ इज इट बेनिफिशियल? देयर इज एस्टैब्लिशमेंट थ्रू प्योरिटी एंड डिस्ट्रक्शन थ्रू इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी की अति होगी तो विनाश हो जाए। व्हेन इम्प्योरिटी एक्सीड्स इट्स लिमिट देयर विल बी डिस्ट्रक्शन। अति कांत। एक्सट्रीमिटी लीड्स टू एंड। अभी से भागे हैं वो बाबा तो संचक्कर से भागे हुए हैं ब्रह्मा कुमारियों की नजरों से। Did he run now? Baba has been running ever since 1976 from the eyes of the Brahma Kumaris. कोई नहीं बताता है और ढेर सारी कंप्लेंट हैं बाबा की FIR दर्ज कराई। No one speaks about this. There are many complaints. FIRs, that is first information reports, have been filed by Baba. वो तो 74-75 की बात है FIR दर्ज कराई वगैरह। It is about 74-75 when FIRs etc. were filed. लड़ाई झगड़ा तो ये शुरू होता है कलयुग में। Conflicts and quarrels begin in this iron age. कलयुग में खास विशेष आक्रमण होते हैं मुसलमानों के क्रिश्चियंस के। The attacks of the Muslims and the Christians especially begins in the Iron Age. वो लोग गाड़ी लेके पीछे पीछे फिरते रहे। एक बात तो उषा माता के पति को पकड़ के ले गए। Those people kept chasing me around in cars. Once they caught Pushpa Mataji's husband and took him away. अभी तो उषा माता ने भी सभी छोड़ दिया। Now even Pushpa Mata has left her body. Sir, unki jo behan thi usne bhi shayad Satya ne sabhi chhod diya unke samne ki baat hai. Probably even her sister Satya has left her body. It is something that happened in front of her. Nani ke samne ki baat hai, nani ne bhi sabhi chhod diya. It happened in front of Mamma's maternal grandmother. She too left her body. Nani ne, Nana ne. The grandmother and grandfather left their body. Shaktiram Sharma ko pakad ke le gaye the. Wo na bhi shari chhod diya. And they caught Shaktiram Sharma and took him away. He has also left his body. Unka photo pe to kuch khicha nahi gaya. His photo etc. wasn't taken. घर में आकर के गाड़ी ला करके दरवाजे पर खड़ी कर दी और शक्तिराम शर्मा को माँ के पिताजी को पकड़ के ले गए। They came to his house in a car and stopped it outside the door. They caught Shaktiram Sharma, that is Ma's, that is Mother Jagadamba's father, and took him away. और बहुत दूर ले जाकर फिर छोड़ दिया जब वो लगातार पंजाबी बोलता रहा। They dropped him somewhere far away when he continuously spoke in Punjabi. और छोड़ गए, छोड़ के चले गए। 10 मिनट बाद हम आ गए। They left him and went away, and after 10 minutes I arrived there. एक महीने तक लगातार कार दौड़ती रही, जीप कार हमारे पीछे पीछे। A jeep pursued me continuously for a month. हम दिल्ली में सवेरे को कहीं है, पश्चिम में तो शाम को पूरब में ऐसे आलूट बसेस से भागते रहे। In Delhi, I used to be somewhere in the west in the morning and I used to be in the east by evening. I kept running like this in all route buses. प्रोग्राम भी करते रहे। I even organized program, that is classes. गीता पाठशाला। In the गीता पाठशालास। जब तक तो उनको पता चले गीता पाठशाला में प्रोग्राम हो रहा है यहाँ, जब तक वो भाग के आए तब तक हम नाराज। By the time they came to know about the गीता पाठशालास where the class was going on and reached there, I vanished from there. 76 से लेकर के अभी कितने साल हो गए?
है 46, 45, 46 साल में एक बार भी उनकी पकड़ में नहीं आए। From 76 onwards, how many years has it been now? 46. In 45, 46 years, I haven't come into their grasp even once. और जेल में जाने के बाद तो उन्होंने गुंडा ही लगा दिया बाबा के पीछे 70,000 रुपया दे करके। And after Baba went to jail, they gave 70,000 rupees to a gangster and had him pursue Baba. सुपारी दे दी उसे, इसको खत्म कर दो। They bribed him, saying, "Finish him off." वो भी पोल पट्टी खुल गई, तो अधिकारी डर गए। When the matter leaked out, the officers were frightened. अधिकारियों को भी पैसे दिए थे, गुंडे को भी पैसे दिए थे, टाइगर को। The officers, as well as a gangster named Tiger, were bribed. बाद में भी टाइगर पीछे लगा रहा जब हमको अंदर के बैरक में डाल दिया गया। Even later, after I was put in the inner barrack, Tiger kept pursuing me. जब नहीं हाथ आए तो जेलर को उसने झापड़ मार दिया। When he couldn't lay his hands on me, he slapped the jailer. जेलर उसी ने ट्रांसफर करा के भाग गया। The jailer had himself transferred to another place that very day and ran away. और हमको उस बैरक में रखा गया जिसमें वो जो किडनैपर है। And I was kept in a barrack where there was another kidnapper. वो उसी बैरक में रहता था और बढ़िया बढ़िया खाना जेल में से बनवा बनवा के खाता था। He used to live in the same barrack and have good food made from the jail canteen for himself. ऑफिसरों को जो खाना दिया जाता वो उसके लिए आता था। The food given to the officers used to be served to him too. और बैठे बैठे नोट गिनता था किडनैप करवा करवा। He used to sit there and count money after having kidnappings done. और नोटों में से हिस्सा अधिकारियों को भी देता था। He also gave a share of that money to the officers. क्या नहीं चलता है जेलों में? What not happens in jails? तो हमारी बैरक में 50% तो ऐसे भाई लोग थे बिल्कुल निर्दोष। And 50% of men in my barrack were totally innocent. निर्दोषों से जेलें भरी रहती हैं। Jails are full of innocent people. गवर्नमेंट को नियम ये बनाना चाहिए अगर कोई झूठा केस करते हैं और झूठा केस साबित होता है तो उल्टा उन्हीं के ऊपर सजा मारी जाए। The government should make this rule. If someone files a false case and it is proved false, they themselves in turn should be punished. लेकिन लोग डरते हैं, उनका नियम ये है कि कंप्लेंट करेंगे तो उनके ऊपर सजा डाली जाएगी। But people feel afraid. Their rule is, if someone lodges a complaint, it is then that they will be punished. डरते हैं लोग गुंडों से, गुंडे बड़े भगवान से। People fear gangsters. Gangsters are greater than God. गुंडे चोर और डकैत आधा पैसा खुद खाते हैं, डकैती का आधा देते हैं पुलिस को। Gangsters, thieves, dacoits themselves save up half the money they get from robbery and give the other half to the police. पुलिस के लोग बड़े बड़े ऊंचे आला अधिकारियों तक पैसा का हिस्सा पहुंचाते हैं। The police have a share of money delivered to big high officers. एक बार डीएसपी आया था रात में कंपनी में, हमको बुलाया थाने में। Once the DSP, that is Deputy Superintendent of Police, came to Kampil at night and called me to the station. शांता ने मना कर दिया, वो तो सो गए, अब नहीं मिलेंगे। यहाँ नियम नहीं है 8-9 बजे के बाद किसी से मिलने का। शांता refused, saying, "He has slept. He won't meet you now. There is no rule here to meet anyone after 8 or 9 o'clock." उस दिन पता चला कि डकैत बुलाए गए थे बाबा को पकड़ने के लिए। That day we came to know that dacoits were called to catch Baba. अगर उस दिन चले जाते तो डकैत पकड़ के ले ही जाते। Had I gone that day, they would have caught me and taken me away. फिर अनाप शनाप पैसा मांगते।
then they would have demanded an unreasonable amount of ransom. हर जगह से हमको बाबा ने बचाया. बाबा प्रोटेक्टेड मी एवरीवेयर. अभी भी बचा रहा है. He is still protecting me. अंडरग्राउंड से बाहर निकलेंगे तो लार टपक पड़ेगी 5 लाख रुपए के ऊपर. If I come out from being underground, they will drool over the 500,000 rupees reward. ढेर सारे विरोधी हो रहे हैं. Many are becoming opponents. हाई कोर्ट से काशी में माँ का मिल गया आर्डर. उसके बाद भी 3-4 बार उसका मामा पीछे पड़ा. दिल्ली में 2 बार आया पुलिस के लोगों को लेकर लेकर के अधिकारियों को लेकर ले. काशी माँ Ma got an order from the High Court. Still, her uncle kept pursuing her three, four times, even after that. He came to Delhi twice with the police, with officers. Court में वो पेश कर दिया High Court का इलाहाबाद High Court का. यहीं को तो permission मिली हुई है. We showed the order of the court, the Allahabad High Court order stating. She has permission to stay at the ashram. दोनों बार वापस चला गया. He went back both the times. काशी माँ को हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ था फ्री होने का. काशी माँ got an order from the high court to become independent. अभी भी अभी तक ब्रह्मा कुमारियां तो कुछ बिगाड़ नहीं सकी. लेकिन ये अंदर के लोग ये बहुत सक्रिय हो रहे हैं. वो विरोध में निकल रहे हैं. The Brahma Kumaris haven't been able to ruin anything yet, but these insiders who are coming up in opposition are becoming very active. और ब्रह्मा कुमारियों से मिल रहे हैं. And they are allying with the Brahma Kumaris. मिलकर के हमला करेंगे. They will unite with them and attack. कोर्ट हाई कोर्ट पैसा लेकर के बैठा हुआ है ब्रह्मा कुमारियों से. द कोर्ट द हाई कोर्ट हैज टेकन ब्राइब फ्रॉम द ब्रह्मा कुमारीज. उसके सामने किताब दे दी तो पढ़े कौन उसे. वी हैव गिवन देम अ बुक दैट इज अ लिटरेचर बट हु विल रीड इट. और एक झूठा केस और लगा दिया. पूरा ही झूठा केस माता के अलावा वो क्या नाम परेशान है. They have filed another false case, an absolutely false case, apart from the one filed by the mother. What is her name? रचना. रचना के ऊपर फिर और एक केस लगा दिया ऊपर क्या नाम ज्ञानेश्वरी. क्या Yet another case was filed after रचनास. What is her name? On Gyaneshwari. What? फरुखाबाद में भी जो केस हुए वो सब अंदर के भाई बहन है वो विरोधी हो गए तभी तो केस हो पाए. All the cases that were filed even in Farukabad, they could be filed only because the brothers and sisters within turned into opponents. तभी बाबा को जेल में जाना पड़ा. It is then that Baba had to go to jail. अंदर के लोग विरोधी न होते 8 लोग थे. Hadn't the insiders become opponents? There were 8 of them. अलग-अलग स्टेट के. From different states. But who knows? How long did it take? Om Shanti.